एबी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में मिसलीडिंग रिपोर्ट जारी करने के आरोप में अमेरिकी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इनमें हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन और मार्क किंगडन का नाम शामिल है। सेबी ने ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए इनको नोटिस जारी किया है। भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी का आरोप है कि हिंडनबर्ग और एंडरसन ने सेबी एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है। इसके अलावा हिंडनबर्ग और एंडरसन पर सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट फॉर के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन में उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि हिंडनबर्ग और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मार्क किंगडन ने मिसलीडिंग डिस्क्लेमर जारी किया कि रिपोर्ट केवल भारत के बाहर कारोबार की जाने वाली सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन के लिए थी, जबकि स्पष्ट तौर पर भारत की लिस्टेड कंपनियों से संबंधित थी। सेबी की ओर से मिले नोटिस में कहा गया कि क्या हिंडनबर्ग ने अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्जनों कंपनियों के साथ काम किया जिससे करोड़ों डॉलर कमाए। इसके अलावा सेबी का आरोप है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने स्कैंडल जैसे कैंची हेडलाइन के उपयोग कर जानबूझकर कुछ तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया। सेबी ने नोटिस में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बिना किसी एविडेंस के अपनी रिपोर्ट में गलत और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी। सेबी का दावा है कि हिंडनबर्ग को भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में अदानी एंटरप्राइजेस फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए मार्क किंगडन ने इनडायरेक्टली शामिल होने में मदद की और कमाए गए मुनाफे को शॉर्ट सेलर के साथ शेयर किया। सेबी की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस के बाद अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विदेशी मीडिया और कंपनियां भारत की अखंडता और संप्रभुता को निशाना बना रही हैं? वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की तरफ से 1 जुलाई को बताया गया कि 27 जून को सेबी से उसे 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस मिला। हिंडनबर्ग ने इस ब्लॉग में लिखा कि उन्होंने एक निवेशक पार्टनर के साथ मिलकर अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। ये निवेशक पार्टनर विदेशी फंड स्ट्रक्चर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अडानी डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे। शॉर्ट पोजीशन बनाने का मतलब है कि किसी सिक्योरिटी को उधार में लेकर उसे ऊंचे रेट पर बेच दिया जाए और फिर बाद में इसका रेट कम होता है तो इसे खरीद कर लौटा दिया जाता है। ट्रेडिंग के इस तरीके से ऊपर उठ रहे शेयर के दाम को नीचे गिराया जाता है।